हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक क्रूड ऑयल का ऊपर और देखेंगे क्रूड ऑयल कहां पे हम एंटी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल चार्ट और 15 मिनट चार्ट। यहां पे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल ये एरिया में अराउंड 12 फरवरी को 200 मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल है उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देख सकते हैं हायर हाई बना के यहाँ से एक बाउंस होना शुरू कर दिया, राइट। मार्केट रिट्रेस किया बाउंस राइट। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आया था, फिर से बाउंस हुआ। अब भी आप देख सकते हैं यहाँ से लास्ट मतलब फ्राइडे 14 को तो ये 50 मूविंग एवरेज से बाउंस होना शुरू हो गया, राइट। ऑलरेडी ये स्मॉल टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड ले लिया तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो अभी एक 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट बन के जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट हो गया, मार्केट नीचे गया तो यहाँ से 50 मूविंग एवरेज तक आया, फिर से ऊपर गया, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये 4000 में एक रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकते हैं मार्केट, राइट। तो आपको एंट्री करना है तो पहले आपको जैसे प्रीवियसली 50 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ था, तो अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए तो यहाँ से आप बाय एंट्री कर सकता है, राइट। ऐसे आप लोअर पॉइंट का नीचे लगा सकता है और टारगेट आप 4000 के आसपास लगा सकता है, राइट। सो अगर इसको 4000 ब्रेकआउट कर दिया तो ये रैली, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर 4000 को ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट 4121, क्योंकि यहाँ पे डेली 200 मूविंग एवरेज ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, राइट। तो डाउन ट्रेंड के लिए आप सेल के लिए थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं सेल सिग्नल आपको बहुत नीचे मिलने वाला है। जैसे आप अभी भी आप 3800 का नीचे ही आपको सेल सिग्नल मिलेगा, तो जितना हो सके बाय रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट रिट्रेस करे, क्योंकि अगर आपने बाय यहाँ पे ले लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट नीचे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा, तो जितना हो सके आपका एसएल हिट हो सकता है, राइट। यहाँ पे आपको कम से कम 95 तो रहेंगे तो 50-60 पॉइंट का नीचे ऐसा लाएगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग होता है, राइट। तो अगर मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ से बाय किया तो यहाँ पे 15-20 पॉइंट का नीचे आप ऐसा लगा के मार्केट टारगेट आप 4000 में टारगेट सेट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।